हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे साइटग्राउंड होस्टिंग का रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास साइटग्राउंड होस्टिंग का एक प्लान लिया है, ग्रो बिग प्लान, तो हम उस प्लान का रिव्यू करने वाले हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसमें आपको क्या क्या फंक्शन फ्री मिलते हैं जिनका आप यूज़ में लेकर अपनी वेबसाइट को और अच्छी बना सकते हैं, साथ इसकी परफॉर्मेंस को आप और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हूँ और ये मेरा साइटग्राउंड का जो डैशबोर्ड है वो है। इसमें आप यहाँ पर वेबसाइट देख सकते हैं, मेरी जो वेबसाइट है ऐड की हुई है, और साथ ही साथ आप यहाँ सर्विस भी देख सकते हैं। मेरे होस्टिंग प्लान दिया हुआ है ग्रो बिग प्लान, उसका हम एक रिव्यू करेंगे। साथ साथ अगर आपको यह होस्टिंग अगर ख़रीदनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसे खरीद सकते हैं। आपको यह लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में आने के बाद। यहाँ पर आप वेब होस्टिंग में जाकर वेब होस्टिंग परचेस कर सकते हैं। इसमें मेनली जो तीन प्लान होते हैं, सिंगल साइट के लिए और मल्टीपल साइट्स के लिए जो प्लान है, स्टार्टअप प्लान, ग्रो बिग प्लान और गो गिग प्लान। जो स्टार्टअप प्लान है उसमें आप एक ही वेबसाइट ऐड कर सकते हैं, साथ ही साथ इसमें आपको फ्री SSL, 10 GB वेब SSD स्टोरेज और अनलिमिटेड ट्रैफिक और फ्री इंस्टॉलेशन जो भी आप मतलब इसमें देख सकते हैं। और ग्रो बिग प्लान में आपको $5.95 का प्लान पड़ता है और गो गिग प्लान में आप ये देख सकते हैं। मेरे अभी ये ग्रो बिग प्लान लिया हुआ है, इसमें 20 GB आपको वेब स्टोरेज मिलता है, वो भी SSD जो कि फास्ट होती है। साथ साथ आपको SSL बिजनेस और जो भी इसके जो कंपल्सरी जो कंपोनेंट होते हैं जो आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़ाने में काम करते हैं वो भी हमको फ्री मिलते हैं। आप चाहे तो ये प्लान खरीद सकते हैं। अब जैसे हम आ जाते हैं, मेरी एक वेबसाइट है endobazaar.com। वर्डप्रेस में हम साइटग्राउंड में हम वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं और साइटग्राउंड की होस्टिंग हम कैसे खरीदते हैं, इसका भी हमारा वीडियो एक यूट्यूब चैनल पर हमारे अवेलेबल है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। अब जैसे मेरी वेबसाइट है तो इसमें आप SEO ऑप्टिमाइजर करके आप ये देख सकते हैं, ये एक टूल है। इन टूल का यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट की स्पीड बढ़ा सकते हैं। ये फ्री टूल है जो आपको इसकी हर कोई भी आप इसके प्लान खरीदोगे तो उसमें आपको फ्री मिलेगा, जिससे आपकी जो स्पीड है बहुत ही अच्छी हो जाएगी। जैसे मेरा ये पेज है नॉर्मल, जिसमें 3-4 पोस्ट है और छोटा मोटा कुछ डिस्क्रिप्शन है, तो आप देख सकते हैं जो गूगल पेज स्पीड में आप इसका इनसाइट देख सकते हैं क्या इसका स्कोर है। और आप जैसे देख सकते हैं 91 स्कोर है और 2 से 3 सेकंड में जो वेबसाइट है वो लोड हो जाती है दोस्तों। और इससे आप हल्की वेबसाइट बनाओगे और कम पोस्ट या फिर नॉर्मल क्लासिक वेबसाइट बनाओगे तो आप और जल्दी लोड हो जाएगी। अभी क्या इसमें जो ट्रांजेक्शन स्लाइड लगे इसके कारण इसको लोड में थोड़ा टाइम लगता है। और जैसे आप डेस्कटॉप में देख सकते हैं ये हाफ सेकेंड में लोड हो जाती है और 100 out of 100 स्कोर इसको मिला है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों इसका सेटअप करना। आप हमारे एक वीडियो में जाके देख सकते हैं इसका सेटअप कैसे करते हैं वर्डप्रेस का, साथ ही साथ इसको डोमेन से हम कैसे जोड़ सकते हैं। मेरे हिसाब से ये प्राइस वर्थ ही है, मतलब आप जितना अमाउंट इसमें पे कर रहे हो वो आप सही है उसके लिए। और अगर आप ये होस्टिंग खरीदना चाहते हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से खरीद सकते हैं। और होस्टिंगर भी एक होस्टिंग है, आप वो भी खरीद सकते हैं। अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो आप होस्टिंगर जो वेबसाइट है वो भी खरीद सकते हैं, उसकी लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, तो वो भी अच्छी वेबसाइट है। साथ ही साथ उसके जो प्राइस है वो भी सही है। और मैं आपको दोस्तों रिकमेंड करूँगा, अगर आप ये होस्टिंग खरीदे साइटग्राउंड से तो कम से कम 2 ईयर की जरूरत है। अगर आपके होस्टिंग रिलेटेड कोई इशू है या डोमेन रिलेटेड कोई इशू है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप ये होस्टिंग परचेस करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक से जाकर परचेस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।